मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक चालंतुन में मां बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान पंकज कालिया से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गईं। इस अवसर पर उपस्थित भक्तजनों से अपनी बात कहते हुए माँ बंगलामुखी धाम की सेवादार नवजीत भारद्वाज ने कहा कि उसका हुक्म कैसे माना जाए, उसके लिए बुद्धि शुद्ध करनी होगी। अगर हम वासनाओं में फंस जाएं और ये माने कि ये तो भगवान ने करवाया है तो समझना चाहिए कि असत्य का पर्दा पड़ा है। उसके आदेश को सुनने में मनुष्य का अहंकार और आसक्ति बाधा डालती है। मुख्य चीज़ है सत्य का दर्शन। अपने को कायम रखकर सत्य का दर्शन नहीं होता है। अपने को मिटा दें, हटा दें, दूर करें तो चिंतन की प्रक्रिया ठीक चलेगी और सहज ही स्वच्छ प्रकाश मिलेगा, फिर उस पर चलना आसान होगा। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, रुपम प्रभाकर, अमरजीत सिंह, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा हलचल, दीपक, प्रिंस कुमार, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वे हवन यज्ञ के उपरांत विशाल लंगर बंटवारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के विच अज सप्ताहिक जिहड़ा लड़ीवार श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ किया जाता है वह अज किया गया। महामाई का आशीर्वाद सारे भक्तों ने लिया और अपने मन दियाँ जो भी कठिनाइया या परेशानियां महामाई के श्री चरणा च रखिया, साड़ी जगदम्बा के चरणा च ही अरदास बेनती है। जगदम्बा सारिया के उत्ते मेहर भरिया हथ रखो, शरीरक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार को माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों के नाल पहुँच के महामाई का आशीर्वाद लो और महामाई का जिहड़ा गुणगान करो और जिहड़ा सत्य सनातन का सिस्टम चले आ रहा हवन यज्ञ की पद्धति है उत्ते चलते हुए प्रभु का गुणगान करते हुए आशीर्वाद दीजिए। जय बगलामुखी जी, जय माता।